नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल के एक नए वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप पेंटासाइन के अगर पार्टनर हैं तो आप पेंटासाइन में जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है अपने क्लाइंट के लिए कैसे बना सकते हैं। लास्ट टाइम जो है पेंटासाइन का वीडियो मैंने बनाया था, बट वो इंडिविजुअल के लिए बताया था कि आप इंडिविजुअल में जो है DSC कैसे बना सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में जो है मेनली हम लोग देखने वाले हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर पोर्टल पर लॉग इन कर लेना है पेंटासाइन का, और यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करना है। करते ही यहाँ पे इंडिविजुअल आएगा। तो लास्ट के वीडियो में मैंने इंडिविजुअल में बताया था, बट आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले को देखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि अप्लाई EKYC फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी। इसके बाद आएगा अप्लाई EKYC फॉर एम्प्लॉय। तो हम लोग सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे EKYC ऑथराइज सिग्नेटरी का यहाँ पे यूज करके अप्लाई करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जब तो यहाँ पे जरूर क्लिक कीजिए डॉक्यूमेंट्स जानने के लिए। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन में ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि आप विथ GST है या विदाउट GST, यानी कि आपके पास GST सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर है तो उस केस में ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर विदाउट GST तो विदाउट GST पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड तो क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे पूरे चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट विदाउट GST में आपको लग सकते हैं। तो कृपया करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले अरेंज कर लिए, देन इसके बाद जो आप इसका एप्लीकेशन कीजिए। तो चलिए, हमारे जो क्लाइंट है उनके पास में GST है, तो हम लोग विद GST वाले पे क्लिक करते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे और अप्लाई EKYC फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फ्रेंड्स इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फॉर्म फिल करने का। तो यहाँ पे जो है आपका सारा क्लास का यहाँ पे सर्टिफिकेट क्लासरी है और सर्टिफिकेट टाइप साइनिंग है। अगर यहाँ पे आप इंक्रिप्शन भी रखना चाहते हैं या कम्बो रखना चाहते हैं तो अपनी अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 2 ईयर्स वैलिडिटी है। डाउनलोड पासवर्ड यहाँ पे आप जरूर मेंशन कर दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डाउनलोड पासवर्ड, और इसके बाद जो है यहाँ पे GST नंबर ऑर्गेनाइजेशन का डालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नॉट एप्लीकेबल ही रहने वाला है। अगर GST नंबर नहीं है तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे। करते ही यहाँ पे सिटी, स्टेट और कंट्री, यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस फुल देना है, और यहाँ पे जो है आपको पैन नंबर देना है, फुल नाम देना है, और जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देना है। आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पे किसका पैन नंबर देंगे, फ्रेंड जो ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा उसी का पैन नंबर यहाँ पे देना है, और उनका नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ भी उन्हीं का देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पे गेट OTP रहेगा, तो OTP मंगा लीजिएगा मोबाइल पे, ईमेल पे OTP मंगा लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है EKYC पिन यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। EKYC 1 2 3 4 5 6 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके पास में इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो है यहाँ पे टिक आउट कर लेना है, और एक कैप्चा इसमें आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करके जो है आपको सबमिट के बटन पर फाइनली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपका DSC एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली इनरोल हो चुका है। अब जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आपकी अगर कंपनी है तो यहाँ पे विथ GST और विदाउट GST में देख लेंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो वे सारे डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है अपलोड ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट और अपलोड एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट को यहाँ पे दोनों में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे वन बाय वन करके करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट या डीड या रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपलोड करने बोल रहा है। इसके बाद जो है पैन कार्ड यहाँ पे आपको कंपनी का अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में जो है आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड कर देंगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर इसको क्लोज कर लीजिएगा, फिर अपलोड एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेंट का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो एप्लीकेंट का जो भी फोटो आपने रखा होगा उसको अपलोड कर दीजिएगा, ID प्रूफ अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है आप पैन कार्ड दे सकते हैं, और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में जो है आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, और ऑथराइज सिग्नेटर लेटर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बोर्ड रेजुलेशन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। जब डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देंगे तो इसके बाद जो है आपको
ई साइन करना पड़ेगा। तो याद रखें, ई साइन लेटर ना करें, ई साइन तुरंत जो है करके जो है आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। ई साइन पे जब क्लिक करें तो फ्रेंड ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू इसको जो है सबमिट टू ई साइन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो है सक्सेसफुली ई साइन हो जाएगा। जब ई साइन सक्सेसफुली हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये आपका फॉर्म रहेगा। फाइनली आपको क्या करना है, इसको टिक आउट करना है और सबमिट टू ई साइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, ये आपका जो ई साइन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका DAC एप्लीकेशन है सक्सेसफुली यहाँ पे आपका ई साइन हो गया और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाता है। तो फाइनली अब क्या करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग की ओर चलना है। तो वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, आपको बता दूं कि आपको ईमेल SMS दोनों के थ्रू जो है आपको नोटिफिकेशन आया होगा वीडियो कंप्लीट करने के लिए। तो वीडियो जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कंटिन्यू टू वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपका इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन आपको पूरा रीड करके जो है आपको वीडियो कंप्लीट करना है। याद रखें कि ये जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जो है DAC एप्लीकेशन है, तो इसमें जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का जरूर दिखाइएगा और इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर दिखाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है आप नोट कर लीजिएगा, तभी जो है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन वाला डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट को बोल देता हूँ वीडियो KYC कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप DAC डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने वीडियो KYC अपना कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जब आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा तो याद रखें कि सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने के बाद जो है आपका चेक करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन डिक्लाइन हुआ है या आपका अप्रूव हुआ है। देखिए जब अगर एप्लीकेशन डिक्लाइन होगा तो आपको डिक्लाइन एप्लीकेशन शो करेगा, अगर आपका अप्रूव हो गया तो ऑब्वियसली वो रेडी टू डाउनलोड के इस वाले टैब पे आ जाएगा। तो देखिए रेडी टू डाउनलोड में अगर जब आएगा तो आपको मेल भी आएगा। मेल किस तरह से आएगा आप देख रहे हैं यहाँ पर, DAC नोटिफाई DAC रेडी टू डाउनलोड का इस तरह से आपको मेल आ जाता है। और जब इस तरह से मेल आ जाएगा तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं रेडी टू डाउनलोड यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। व्यू पे क्लिक करते ही जो है आपके पास में इस तरह से सारे चीज़ आपको डिटेल में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के पास में क्वेश्चन होगा कि इस DAC को कैसे डाउनलोड करें। देखिए इसके लिए जो है आपको USB टोकन यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास में ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप ई पास यूज़ करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं ये जो है ई पास है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास में प्रोस की भी है, तो आप जो भी USB टोकन लेना चाहते हैं आप उस पर डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जो है आपका वैलिड है, आप दोनों से जो है हर एक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, चॉइस इज योर। तो प्रोस की जो है आपका थोड़ा कम प्राइस लगता है और ई पास जो है थोड़ा महंगा है, तो आप बताइएगा जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको प्रोस की में आपको डाउनलोड करके दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको अपना USB टोकन जो है आपको अपने लैपटॉप या जो भी आपका सिस्टम होगा उसके USB में आपको इंसर्ट कर लेना है। तो चलिए इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करते ही जो है आपके पास में इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको यूज़र पिन यहाँ पे आएगा। तो यूज़र पिन जो है आप अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, नॉर्मली ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। यूज़र पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 आप रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, बट हम लोग मेनली यही रखते हैं। तो ओके के बटन पे क्लिक कीजिएगा, सेट पिन ओके बता रहा है, ओके पे क्लिक करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, आपको गूगल पे जाना है, लिखना है पेंटा साइन DAC डाउनलोड यूटिलिटी और इसको इंटर कर देना है। तो जो सबसे पहला आएगा आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको ये सबसे पहला जो दिख रहा होगा डाउनलोड यूटिलिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपका यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जो है पेंटा चार्ज यूटिलिटी डाउनलोड किया हुआ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जो है आप इसको लॉन्च कर लेंगे और जब ये लॉन्च होगा आपका तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और ये जो है आपका ओपन होगा डाउन होने के लिए। सिंपल यहाँ इंसर्टेड टोकन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो कौन सा यहाँ पे आपने टोकन इंसर्ट किया, तो हम लोगों ने प्रोक्सी का किया है। अगर आप हाइपर सिक्योर का करते हैं तो फ्रेंड्स उस केस में आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाइपर सिक्योर मतलब ये जो ई पास है आपको उसको जब इंसर्ट करेंगे तो पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, बट हम लोग प्रोक्सी किए हैं तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन नंबर, तो सिंपल आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से जो है आप एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर पुट कर देना है और डाउनलोड पासकोड, जो भी आपने पासकोड बनाया होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है, फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा देख रहे हैं यहाँ पे वेलकम एप्लीकेंट
जो भी एप्लीकेंट है वो यू आर सक्सेसफुली लॉग इन ओके के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डाउनलोड साइन इन करना है क्योंकि हम लोगों ने साइन इन नहीं बनाया है। अगर आप साइन इन इंक्रिप्शन दोनों बनाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए डाउनलोड साइन इन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टोकन का पासवर्ड बनाया मांगेगा। तो जो भी टोकन का पासवर्ड अभी जस्ट मैंने बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 वो मेंशन करके जो है आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही तो जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो आपका डाउनलोड जो है यूएसबी टोकन में हो रहा है। यहाँ पे आपको वेट करना है, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज शो होगा। आप यहाँ पे थोड़ा देर वेट कीजिए। याद रखें ये जो मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहा हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन का डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं आपको फिर से बता दूँ ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का डाउनलोड हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड सक्सेसफुली हो गया। तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपको देखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए जो है आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिख जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने कितने ही आसान तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाया। तो आप भी इसी तरह से अपने क्लाइंट के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह के वीडियो जो है समय समय में आपको दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको बल्क में चाहिए, यूएसबी टोकन भी अगर आपको बल्क में चाहिए, या आपको यिंग मुद्रा का, पेंटा साइन का, या आपको वी साइन का अगर आपको पार्टनर आईडी भी बनाना है तो फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट कीजिए दिए गए नंबर पर। फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पर जो है आपको ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।